स्वागत है दोस्तों आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे यह पाचे वाला जो मटकार्ड है चैन कवर, यानी हम इसको अपने बाइक में कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादातर ये आपको अपाचे या पल्सर बाइक में देखने के लिए मिलेंगे, स्प्लेंडर या एचएफ डीलक्स में बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ये अपाचे और पल्सर के ही आते हैं। अगर आप अपनी बाइक में डलवाना चाहो तो ये इंस्टॉल हो जाते हैं स्प्लेंडर प्लस में भी और एचएफ डीलक्स में भी। मात्र ये आपको लगभग, अगर आप लो क्वालिटी का लोगे, बिल्कुल लो क्वालिटी का, तो आपको 50 रुपये का लगभग मिल जाएगा। और उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 110 या 120 रुपये का अच्छा मिल जाएगा। और भी एक इससे अच्छा और आता है 140 रुपये का, TVS कंपनी का है, जो कि अपाचे बाइक में बजाज की तरफ से आता है। तो आप वो लो, वो आपको 140 रुपये का मिल जाएगा। उसकी क्या है, जो ये ऐसे ये रबड़ है ना, उसका थोड़ा बहुत टाइट है, टूटेगा नहीं। और ये बिल्कुल हल्का ही है, मैं 110 रुपये का लेके आया था ये अपनी बाइक के लिए। और अभी इसकी बात करते हैं नुकसान और फ़ायदे की। तो सबसे पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। जो आपका चैन कवर होता है ना, उसकी लाइफ टाइम, जैसे वो कवर आता ना इसका पहले वाला, उससे लाइफ टाइम कम हो जाते हैं चैन कवर की। तो फाइनली हमारा जो चैन कवर है वो लग चुका है। और आप ये लगाओगे ना, जब आपको ये एक जो सुराख ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुराख है ना ये थोड़ा आगे चला जाता है, तो इसलिए हमको ये सुराख करना पड़ेगा, इसमें ये नट डलेगा। तो मटकार्ड चैन कवर लगने के बाद, कुछ ऐसा लुक आ रहा है, देख लेना। चैन कवर थोड़ा बहुत अच्छा ही लग रहा है लगभग, क्योंकि जो पहले आता है ना उससे क्या है, जो चैन सेट की ना सेफ्टी रहती है, और इससे ना थोड़ी चैन सेट की जो सेफ्टी है कम हो जाती है धूल मिट्टी के कारण भी। देखो कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो इसके कारण जो चैन सेट है ना जल्दी ख़राब हो जाता है इस मटकार्ड के कारण। और वो पूरा बॉडी बंद आता है, वो अच्छे से सेफ्टी करता है, तो इसका एक तो नुकसान ही है। और अब फायदे की बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो बाइक का है लुक है वो अलग से ही बन के आ जाता है। और दूसरा फ़ायदा, जब आपकी चैन वगैरह ढीली हो जाती है तो आप ऑयल वगैरह देते हो इसके अंदर, तो आपको फ़ायदा होता है क्योंकि वो खोलना नहीं पड़ता है। इसलिए दो फायदे तो यही हैं, बाकी नुकसान ही है ज़्यादातर। अगर आपकी बाइक नई है तो आप ये ना ही लगाएं, अगर पुरानी है आपको लुक चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं। और मैंने तो ये सिर्फ बाइक की लुक ही अलग करने के लिए लगाया है, वरना मैं इसको नहीं लगाता, क्योंकि मैंने थोड़ी बाइक पे ज़्यादा खर्चा कर रखा है। तो मैंने सोचा कि मैं ये मैं लगवा लूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब रील बनाता हूँ तो अच्छे से जो है लुक बन के आता है बाइक का, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल करा है। अगर आपकी नई बाइक है तो आप मत करना इसको इंस्टॉल, क्योंकि आपका चैन सेट है जो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकन की जरूर घंटी दबाएँ आप।